महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में रामगढ़ झील में जलकुंभी निकालने के नाम पर संबंधित विभागों द्वारा पैसों की बंदरबांट किए जाने का आरोप लगाते हुए मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी को ज्ञापन सौंपा, जिसके संबंध में कमेटी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया कि बीते कई वर्षों से रामगढ़ झील से जलकुंभी निकालने का कार्य चल रहा है, पर अभी तक ना तो जलकुंभी को पूरी तरह से निकाला गया और ना ही उसको पूरी तरह नष्ट करने का कोई ठोस उपाय किया गया है। उन्होंने कहा, संबंधित विभाग के द्वारा बीते कई सालों से जलकुंभी निकालने के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर होता आ रहा है और कागजों में जलकुंभी निकालने का कार्य को दिखाकर सरकारी धन का बंदरबांट किया जाता है। उन्होंने कहा कि मौके पर स्थिति कुछ और ही है तथा जलकुंभी निकालने के लिए जगह जगह रेलिंग को तोड़ा जा रहा है, जिससे कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस अवसर पर दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, ब्रिज नारायण शर्मा, रोहन पांडे, प्रणव उपाध्याय, श्याम शरण श्रीवास्तव, गोपाल गांधी, मनोज पाल, अनुराग पांडे, सुनीता देवी, प्रभात चतुर्वेदी, शैलेंद्र वल्लभ पांडे, सुहेल अंसारी, महेंद्र नाथ मिश्रा, अमित राव, कुंती देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, गांधी जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम लोग सुने हैं उस दिन लगा कि चलो एक और अभिभावक के रूप में फिर से जाने का वहां का धन्यवाद। आशुतोष तिवारी, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। किस संदर्भ में ज्ञापन देने आए? आज हम गोरखपुर के रामगढ़ ताल में जलकुंभी निकालने की जो कवायद कई वर्षों से चल रही है, वह जलकुंभी 4-5 साल से लगातार निकाला जा रहा है, लेकिन वह जलकुंभी भी निकल नहीं पाई। और जो रेलिंग बने हुए हैं, जो सर्किट हाउस की तरफ जाइए तो जो रेलिंग बने हुए हैं उसको कई जगह से तोड़ दिया गया, वह फिर बनाया जाएगा, फिर तोड़ा जाएगा, लेकिन जलकुंभी का कोई स्थायी उपाय नहीं हो पाया। रामगढ़ ताल जो माननीय वीर बहादुर सिंह जी का वह सपना था, जिन्होंने उसके सुंदरीकरण का शिलान्यास किया था, तमाम योजनाएं लागू किए थे, उस रामगढ़ ताल परियोजना को केवल कमाई का अड्डा बना चुके हैं। आज इस संबंध में महानगर कांग्रेस कमेटी माननीय आदरणीय कमिश्नर महोदय को ज्ञापन, उस रामगढ़ ताल को जलकुंभी की स्थायी व्यवस्था करवाने, जिससे जनता के धन का बंदर बांट न हो सके, वह जलकुंभी निकालने की योजना किसी कि कुछ चंद लोगों के लिए कमाई की योजना न बन सके, बल्कि जनता के धन का सही दुरुपयोग हो और जो रेलिंग वहाँ टूटे हुए हैं उसका पुनः निर्माण हो और फिर उसको तोड़ने का प्रयास न किया जाए। यह सब मांग लेकर के आज हम कमिश्नर महोदय के जो है ऑफिस पर आए हैं।